खूबसूरत है। और यहाँ पे एक का दिक्कत यही होगा, आप लोग जब पहाड़ चढ़ेंगे ना तो नाक काफ़ी जलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह का 4 बज रहा है, तो आज हमारा 3rd डे है। तो बस हम लोग जा रहे हैं टाइगर हिल। तो अभी सुबह का टाइम में जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह ही जाना पड़ता है सनराइज देखने के लिए। तो हमारा गाड़ी आ चुका है, तो अभी हम लोग बैठेंगे तो फिर ऐसे निकलेंगे। सुबह का 4 बज रहा है और हम लोग आए हैं सनराइज देखने के लिए टाइगर हिल। बट इतना भीड़ है, आप देखिए ये लोग 2 बजे आ चुका है। तो अभी गाड़ी हमारा एकदम नीचे है, हमें अभी ऊपर जाना पड़ेगा पैदल। तो देखते हैं ऊपर जा सकेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं। सब कोई जा रहे हैं पैदल, तो पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और थोड़ा ऊपर है, तो साइड में यहाँ पे मंदिर वगैरह है, इस साइड में भी है, तो और थोड़ा जाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, और सूरज निकल रहा है, इतना ऊपर है पता नहीं, 2 किलोमीटर चलते हैं ऊपर बस आएगा ठीक। और सामने का व्यू कुछ इस तरह है, अभी सनराइज हो रहा है, निकला नहीं क्योंकि मेरा फ्रेंड लोग अभी तक नीचे है, एक जन आ गया है। और बाकी सीन आप देख सकते हैं, सब कोई बिल्डिंग में चढ़ रहा है ऊपर से जो व्यू कैप्चर करने के लिए। तो देखते हैं हम भी यदि व्यू कैप्चर कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। बाकी सांस फूल रहा है इतना ऊपर। तो सीन कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं कितना क्राउड है। और मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर से वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, तो काफ़ी हद से ज़्यादा भीड़ है। तो अभी सनराइज होगा इस साइड से और इस साइड से कंचनजंगा का व्यू दिखेगा। तो अभी नीचे का सीन देखिए। काफ़ी भीड़ है, अच्छे ज़्यादा भीड़ हो गया। और हम लोग सुबह जो है 4 बजे निकले, फिर भी इतना भीड़, हमें 2 किलोमीटर नीचे से आना पड़ा। कहाँ से आए हम आपको बता दे रहे हैं, तो हम इस कहीं से भी आए हैं, उस साइड से होगा आया होगा। तो अभी सनराइज होने वाला है, तो काफ़ी जो है क्या बताऊँ, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं इतना। और क्राउड देख सकते हैं काफ़ी हद से ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ पे व्यू देखने के लिए काफ़ी सुबह आना पड़ता है। तो इस साइड में आपको जैसे बताया था कंचनजंगा का व्यू दिखेगा और सनराइज इस साइड से होगा, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा क्योंकि आ गए हैं तो आप लोगों को दिखाना बनता है। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड लोग नीचे हैं तो लोग तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, तो मैं ही ऊपर चढ़ा हूँ और व्यू लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो मैं टाइमलेस दिखा दिया हूँ, कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे से मैं जो है कंचनजंगा का व्यू मैं कैप्चर करूँगा। तो काफ़ी ठंडा है ऊपर, तो टाइमलेस कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो काफ़ी वेट करने की बात जो है, लास्ट में जाके मुझे टाइम स्लॉट मिला है, मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, पता नहीं कैसा है, देखना पड़ेगा एडिट करने के टाइम पर कैसा हुआ है टाइमलाइन। तो बाकी अभी नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे जा रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रॉक गार्डन, तो यहाँ से हम लोग रॉक गार्डन के लिए निकलेंगे। तो हमारा गाड़ी काफ़ी नीचे है, तो अभी यहाँ का
सीन आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, मस्त लगा। यहाँ पे जो है माउंटेन वाला एक क्या है झंडा वगैरह, क्या नाम है इसको पता नहीं है, लेकिन काफ़ी मस्त लग रहा है। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो हमारा बाकी लोग पीछे है, आप देख सकते हैं जैसे कि, तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं स्नो है, बर्फ है, क्या क्या है पता नहीं, आई थिंक होगा बर्फ। तो यहाँ पे टाइगर हिल में स्नोफॉल भी होता है। सो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे स्नो गिरता है टाइगर हिल में, तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दार्जिलिंग में सिर्फ टाइगर हिल में ही स्नोफॉल होता है, बाकी ये दूसरे जगह पे नहीं होता है, कभी कभार होता है, रोज़ नहीं होता है। तो अभी सीन देख सकते हैं, तो अभी हमें काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे गाड़ी है, तो वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे रॉक गार्डन। मैं देखिए छोटा सा बर्फ का टुकड़ा मैं हाथ में लिया हूँ, और साइड साइड में काफ़ी सारा गिरा हुआ है। तो अभी पूरा जंगल के अंदर यहीं से रात को आया था, अभी नीचे उतर रहा हूँ, सुबह हो गया। सो हम लोग दूसरा लोकेशन में चले आए हैं, बताची ब्लॉक। हम लोग एंट्री कर चुके हैं, टिकट ले लिए हैं, पर पर्सन 20 रुपीज़ करके टिकट है। तो सामने जो है बताची ब्लॉक, तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं। अभी धूप भी आ गया है, थोड़ा जाके धूप सेक लेते हैं पहले, कि काफ़ी ठंडा है इधर। सो फाइनली हियर बताची लोग, तो यहाँ से नीचे का आप लोगों को व्यू दिखाते हैं कैसा है। नीचे जा रहे कारण जो टाइगर हिल था, काफ़ी वहाँ पे ठंडा था, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा उस साइड में। और आप यहाँ का जो है सीन देख सकते हैं, ये शहीद मीनार होगा नीचे है, तो आप लोगों को नीचे शहर का जो है आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पे तो सीन जो है इस तरह है, आई लव दार्जिलिंग। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ का सीन कुछ इस तरह है, आई लव दार्जिलिंग, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो उस साइड में टेलीस्कोप है, तो वहाँ से पूरा जो है व्यू दिखाता है, तो उसका कितना प्राइस है मैं आप लोगों को बताऊँगा उसके, और पहले इसका थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच लेता हूँ। बताची लोग घूमना हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं रॉक गार्डन, तो यही का ही होगा हमारा, गाड़ी पार्किंग किया हुआ है, तो अभी हम लोग गाड़ी ढूँढ रहे हैं। तो बोला था उस साइड में कोई रास्ता होगा, लेकिन बट है नहीं कोई रास्ता, तो हमें फिर पैदल थोड़ा नीचे जाना पड़ रहा है गाड़ी ढूँढने के लिए, तो होगा ही कहीं पर, तो वो ढूंढते हैं। और उसकी बात हमारा लास्ट जो लोकेशन है आज का, द रॉक गार्डन, तो वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह है, तो देखने के लिए मिलेगा, तो लेट्स गो। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। सो अभी हम लोग रास्ते पे हैं, बर्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो अभी नज़ारा कुछ इस तरह है, फिर से नज़ारा तो अभी हम लोग रॉक गार्डन के लिए ही रास्ता नीचे जाएगा, तो अभी यहाँ पे रास्ते में की गार्डन मिला है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट कराने के लिए रुके हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट कराएंगे, तो बाकी लोग उतर रहे गाड़ी से, और एक जन तो चला गया उस साइड, तो थोड़ा फ़ोटोशूट करा लेते हैं, करा के हम लोग फिर रॉक गार्डन के लिए निकलेंगे। तो रॉक गार्डन में वाटरफॉल भी मिलेगा, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जो है टी गार्डन देख सकते हैं कितना खूबसूरत है,
तो लवनी तो पहले चला गया। हाँ हाँ आप देख सकते हैं काफी मजेदार है। ओ माय गॉड इस साइड देखो कितना ऊपर से आए हम लोग, तो काफी मस्त लग रहा है। तो आज तो ज्यादा लोकेशन नहीं है, तीन ही लोकेशन है, तो हमारा ये लास्ट लोकेशन है। और यहाँ पे अब टी गार्डन, पूरा टी गार्डन है, चारों तरफ पहाड़ है पहाड़। मीनती कहाँ है? फाइनली हम लोग रॉक गार्डन पहुँच चुका है और हमारा टिकट भी हो चुका है, तो पर पर्सन 20 रुपीज करके द रॉक गार्डन। तो यहीं से एंट्री होके हम लोग आए हैं एकदम ऊपर से, तो आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा वाटरफॉल्स, तो और ऊपर भी है, तो हम लोग को ऊपर जाएंगे अभी। तो अभी जस्ट एंट्री किया हूँ यहाँ से टिकट करवा के 20 रुपीज। तो हम लोग चार जन है, तो अभी देखिए वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत है, ठंडा ठंडा पानी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, तो आप लोग को मैं पूरा दिखाऊंगा, ऊपर जाके भी दिखाऊंगा क्या 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 है कि नहीं है, कितना आपका जो है वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल में मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलिए पहले चलता हूँ ऊपर। और फाइनली मैं अभी पहुँच गया हूँ, तो अभी देख सकते हैं वाटरफॉल मेरा एकदम सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटरफॉल एकदम मैं नज़दीक से आपका जो शॉट ले रहा हूँ ये वाला, तो ऊपर और भी है वाटरफॉल, तो अभी ऊपर जाएंगे। तो मैं सुपर वाइड मोड में ले रहा हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड से होते हुए हम ऊपर जाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है ना? तो मैं आपको पूरा सारा जो है वाटरफॉल जो है आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता है बाकी का जो है झरना। तो यहाँ एक है छोटा सा है, तो और ऊपर और भी है, तो बाकी हमारा फ्रेंड लोग तो ऊपर चला गया। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो अभी ऊपर जाके मैं शॉट लूँगा। और आप लोग देख सकते हैं पूरा पहाड़ के अंदर है, तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो हम लोग एकदम बीच में है। तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना जियो का ना एयरटेल का, किसी चीज़ का आपका जो है नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हम लोग रील वगैरह भी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। तो अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं और क्या क्या है देखने का। ऊपर आए हुए हैं, तो और ऊपर जाने का रास्ता है, तो हम लोग एकदम लास्ट तक जाएंगे और पूरा फुटेज जो है कैप्चर करेंगे। तो यहाँ से पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है इस साइड से, तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। इस साइड में भी है रास्ता और इस साइड में भी है, तो अभी ऊपर इस साइड जाएंगे, पहले जाके देखता हूँ उस साइड का क्या है सीन। तो ये वाला जो है 3 नंबर वाटरफॉल है, तो अभी ऊपर और भी है, तो हम उस साइड जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से आ रहा है पानी, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो यहाँ से होते हुए उस साइड में भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपना फ़ोटो शूट करवा रहा है, तो अभी हम भी थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर पाएंगे। ठंडा बहुत है इसलिए मैं टोपी नहीं खोल रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ सकते हैं कैसा सिचुएशन है। काफ़ी ठंडा है, सुबह 4 बजे उठे थे हम लोग, क्योंकि पहले हम लोग गए थे टाइगर हिल, तो टाइगर हिल से अभी हम लोग बालासी लोग गए थे और अभी आया हूँ जो है रॉक गार्डन, तो यहीं से फिर निकलेंगे रूम के लिए। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो पीछे मीनोती और लागोनी है, लेकिन और एक जन जो है नीचे बैठा हुआ है, वो बोला कि नहीं आएगा, ठंडा है, धूप सेक रहा है, तो बोला कि तुम रहो उधर। तो हम तीनों जा रहे ऊपर और जो है वाटरफॉल्स देखने के लिए, बाकी और ऊपर क्या है पता नहीं, जाके ही पता चलेगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं चारों ओर जो है नेचुरल पहाड़ी पहाड़ है, ग्रीनरी है। तो एक रास्ता इस तरह से जाता है उस साइड में, और एक रास्ता इस तरह से इस साइड में, तो कौन सा साइड जाओगे? ये साइड। तो ये लोग बोल रहे कि पहले इस साइड से वो जो ऊपर वाला वाटरफॉल है वो देखेगा, उसके बाद ये वाला सेक्शन क्लियर करेगा। तो एक एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पहले इस लाइन का जो है कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद पीछे वाला जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो एक जन तो उनका हालत ख़राब हो गया, उधर ही है, और हम तीनों अभी जा रहे हैं उस साइड में, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है उस सीन उस एरिया का। देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से पानी आ रहा है। तो लवनी कैसे लग रहा है ये रॉक गार्डन पे आके? बहुत ही अच्छा है। मीनती बताओ फीलिंग, बताओ इसे रॉक गार्डन ठंडा ठंडा। हम लोग आए थे
एकदम ऊपर से जो आपकी गार्डन देख पा रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग एकदम नीचे आए हैं। तो अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे, जाके देखते हैं ऊपर कितना रास्ता। जाओगे ऊपर? चलो तो सुपर वाइड एंगल में आप देख रहे हैं ये वाला झरना। तो मैं यहाँ पे पूरा ये बैठा हूँ झरना की बगल पे, एकदम बगल पे। बाकी दो जन पीछे है और यहाँ पे बैठ के इस चीज़ का थोड़ा जो है लुक उठा रहा हूँ। और इस तरह से सीन जो है आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ का दिक्कत यही होगा, आप लोग जब पहाड़ चढ़ेंगे ना तो नाक काफ़ी जलता है, इतना ठंडा है। तो इन लोगों को भी तो काफ़ी ठंडा लगा है, मुझे तो क्या बताऊँ, और सुबह से इतना ठंडा है। तो अभी हम यहाँ का जो है फ़ोटो वगैरह थोड़ा शूट करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रॉक गार्डन का जो है नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को, जीनियन कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगता है ऐसा ब्लॉगिंग करने में, मेरा गोप्रो का भी चार्ज ख़त्म होने वाला है। तो और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा घूमेंगे, यदि चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो फिर मोबाइल से शूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना तक चलता है गोप्रो, इसकी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है इसकी वजह से। सो ऑलमोस्ट हम लोग घूम लिए रॉक गार्डन। तो हम लोग उस साइड से होते हुए फिर ऊपर से होते हुए हम नीचे आए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये जो दार्जिलिंग का रॉक गार्डन। तो आप देख सकते हैं चारों ओर जो है पहाड़ है। तो अभी जो है ये पहाड़ के बीच में जो है वाटरफॉल है, यहाँ पे एक गार्डन बनाया हुआ है। तो हमारा गाड़ी है नीचे और हम लोग आए एकदम ऊपर से, उस एरिया से आए हैं। तो हमें फिर उस साइड जाना पड़ेगा उस तरफ। तो ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं रॉक गार्डन, तो आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो रॉक गार्डन का जो है नज़ारा व्यू आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही दिया बेल आइकन भी दबा के रखिए। तो इसी तरह आप लोगों को जो है ब्लॉगिंग में आने वाले टाइम पे आप लोग के लिए जो मैं और नया नया जो है जगह पे जाके ब्लॉग शूट करके मैं आप लोगों के लिए दे सकूँ मेरे इसी चैनल पे, ठीक है। तो बाकी दो जन तो वहाँ पे है और एक जन एकदम नीचे है। तो मेरा गोप्रो का भी चार्ज ख़त्म हो गया है लगभग। तो आप लोग थोड़ा बहुत जो है मोबाइल का शॉट भी देखें, क्योंकि मैं गोप्रो बंद करके मोबाइल से शूट कर रहा था। तो यहाँ पर छोटा छोटा जो है बैठने के लिए रेसिंग जो है रेस करने के लिए एरिया बनाया हुआ है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए ये जो है टनल है, ये पूरा जो है आपका पत्थर है और इसके नीचे से जो है रास्ता बनाया हुआ है। तो ये लोग यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं बड़ा पत्थर है एक दूसरे के ऊपर, ये बड़ा पत्थर जो है नीचे से रास्ता बनाया है पत्थर काट के। तो आप देख सकते हैं कैसा है, आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पे तो गुफा है, तो यहाँ पे क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ आप लोग को जाके ही पता चलेगा क्या है इसके अंदर। हाँ ऊपर आ, तो यहाँ पे तो गुफा है, तो यहाँ पे कुछ नाग देवता का वो बनाया हुआ है। तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तो बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसा है सीन। तो फोटो वगैरह खींचना है तो फोटो खींच लो तुम लोग, बाकी आप सीन देख सकते हैं कुछ इस तरह। देख सकते हैं गुफा, तो इसके सामने एक तो पेड़ है। तो ये क्या चीज़ का जो है फल है या क्या है आई डोंट नो, बट आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चेरी तो नहीं है बट क्या है वो पता नहीं, आप लोगों को किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। तो अभी हम लोग का जो है ऑलमोस्ट क्लियर घूमना फिरना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि हम सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पिए थे, कॉफ़ी पिए थे जो है टाइगर हिल में। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे। और एक जन यहाँ पे फूल तोड़ रहे हो क्या? मत तोड़ो। सो यहाँ पे एक जन फूल तोड़ा है, चोरी करना पाप है, छुपा लो नहीं तो देखेगा तो बोलेगा। तो अभी अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो यहाँ से कहाँ लेके जाएगा पता नहीं, रूम लेके जाएगा तो काफ़ी जल्दी हो गया, अभी तो 10 ही बज रहे हैं 10।
अभी 20 मिनट है 10 बजने में, तो यहाँ पे फोटो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करा लेते हैं इन लोगों का। सो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग का ऑलमोस्ट घूमना ख़त्म हो गया। तो इस साइड में भी थोड़ा बहुत वाटरफॉल है, उस साइड में भी थोड़ा गार्डन वगैरह है, तो एक जन नीचे है तो उनको छोड़ के हम तो ऐसे घूम नहीं सकते ज़्यादा टाइम, तो इसीलिए हम भी चले जा रहे हैं। तो चलते चलते आप लोग को लास्ट जो है वाटरफॉल जो है नीचे वाला वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यही सबसे खूबसूरत है सबसे मुझे लगा, क्योंकि इसमें जो है पानी ज़्यादा बहता है। तो ये तो छोटा सा है, पहले मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो ये जो है एकदम नीचे वाला वाटरफॉल तो काफ़ी मस्त है, मुझे अच्छा लगा सबसे। सो अभी हम लोग का निकल रहा है, तो हमारा गाड़ी वहाँ पे रुका है, वो वाला जो है गाड़ी, तो बाकी लोग वहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ व्यू है, ऑलमोस्ट आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ और आप लोग देखे होंगे। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अच्छे से, और चैनल में पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज का वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ रॉक गार्डन में, तो और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये जो है 3rd एपिसोड था, तो ये यही मैं एंड कर रहा हूँ ये वाला ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोगों से मिलते हैं नया फ्रेश और एक जो है ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय हिंद।